नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। राजकुमार ईरानी को मिला राष्ट्रीय किशोर कुमार अवार्ड। बॉलीवुड के हर फरमौला कलाकार किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक राजकुमार ईरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार 1997 से ये सम्मान देती आ रही है। इस बार बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक राजकुमार ईरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार 2023 का सम्मान दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कुमार विजय शाह ने शाल श्रीफल के साथ 5 लाख का चेक देकर सम्मानित किया है। यह राष्ट्रीय सम्मान दिया मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति संचालनालय की ओर से हर साल प्रतिष्ठित कलाकार, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक को यह सम्मान दिया जाता है। अभी तक इससे पहले अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और वाहिदा रहमान जैसे मशहूर सेलिब्रिटीज़ को इस सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह में रंगारंग प्रस्तुति देने के लिए बॉलीवुड के मशहूर गायक नीरज श्रीधर अपनी ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रस्तुति भी दे रहे थे। इससे पहले हिरानी किशोर कुमार की समाधि पर पहुंचे। किशोर कुमार की समाधि स्थल पहुंचकर किशोर कुमार को श्रद्धांजलि दी। किशोर कुमार की आज 37वीं पुण्यतिथि है। राजकुमार हिरानी ने समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाकर किशोर दा को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार खंडवा आया हूँ, यह जानने के किशोर कुमार अपनी जन्मभूमि को इतना याद क्यों करते थे। किशोर कुमार की जन्मतिथि 4 अगस्त और पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को उनकी समाधि पर देश भर के फैंस और गायक कलाकार श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचते हैं। तो यह थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।